पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों पर हमले के दो आरोपी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 14 जुलाई 2021 को चीनी इंजीनियरों से भरी हुई बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था और इसी हमले में 4 चीनी इंजीनियर समेत 12 लोग मारे गए थे। इस हमले के आरोपी आतंकवादियों को पाकिस्तान में जेल ट्रांसफर के दौरान खुफिया एजेंसी ने मार गिराया है। ये कार्रवाई चीन के प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरे से ठीक पहले हुई है। ओपी तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। ओपी, ये बड़ा तोहफा पाकिस्तान ने चीन को देने की कोशिश की है। अब बिल्कुल लवीना, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को ये तोहफा देने के लिए इन दोनों आतंकवादियों को बाकायदा जेल से निकाला गया। मैं आपको ये बता दूं कि साल 2022 में इन दोनों आतंकवादियों को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और तब से इन लोगों ने ऊंची अदालत में अपील की हुई थी, लेकिन गत दिवस सुबह इनको जेल ट्रांसफर के नाम पे एक जेल से दूसरे जेल में ले जाया गया और वहां रास्ते में, जैसा कि पाकिस्तान पुलिस का कहना है कि इनके ही आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया और इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। जबकि दिलचस्प बात यह है कि वैन में बैठे दूसरे आतंकवादियों या पुलिस अधिकारियों को चोट तक नहीं आई, इसलिए माना जा रहा है कि ISI ने चीनी प्रधानमंत्री के आने के इन दोनों आतंकवादियों को मारकर उन्हें तोहफा दिया है। लवीना, ठीक है ओपी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है और चीन के प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरे से ठीक पहले ये हुआ है।